लॉकडाउन के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे कार्य को लेकर बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा फेसबुक लाइव पर रहे। करीब 58 मिनट के फेसबुक लाइव के दौरान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए करीब 53,000 से ज्यादा सवाल शिक्षा मंत्री से पूछे गए। इसमें से अधिकतर सवाल आगामी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों और विज्ञप्ति के साथ में अटकी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर किए गए। तो वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल्स के आदेशों के बाद भी फीस की वसूली और ई कंटेंट के माध्यम से करवाई जा रही पढ़ाई को लेकर भी इस दौरान उनसे सवाल पूछे गए। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लाइव से जुड़े। फेसबुक के लाइव के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, इसके लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। देश के लोगों से, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों से मैं जुड़ा। करीब 16,000 से अधिक लोगों ने लाइव कार्यक्रम को देखा, 53,000 से अधिक कमेंट आए, काफ़ी लोगों के जवाब जो मैं 58 मिनट में दे सकता था, मेरी बात भी रखी और जवाब भी दिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया, उनकी जिज्ञासाओं को आज फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं शांत कर पाया। उसके लिए मैं प्रतिदिन मेरे मेल से, मेरे व्हाट्सएप के जरिए या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनके हम लोग जवाब देंगे।